भाजपा विधायक बीरेन्द्र सिंह राणा ने फूल डूल मेले का फीता काटकर किया शुभारंभ। आपको बता दें कि हसैन के बाण रोड पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर वर्षों से होली के बाद तीज के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी दूर दूर से दुकानदार और झूले वाले आकर अपनी दुकानें लगाते हैं। हसैन के साथ ही आसपास देहात के क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं इस मेले का आनंद उठाते हैं। इसी क्रम में आज भी प्राचीन शिव मंदिर पर होली के बाद लगने वाले इस तीज के मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन सिकंदर राव के भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह राणा के द्वारा फीता काट कर किया गया। इसके बाद भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह राणा व चेयरमैन पति चंद्र प्रकाश माहर के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पुष्पहार पहनाकर पूजन किया गया। वहीं आयोजकों के द्वारा भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह राणा व चेयरमैन पति चंद्र प्रकाश माहर का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद आयोजकों के द्वारा वीरेंद्र सिंह राणा को मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए एक ज्ञापन भी दिया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल दीपक उपाध्याय, भगवान सिंह बघेल, यादराम सिंह छौकर, मुनीश्वर उपाध्याय, सुरेश कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। श्री पवन कुशवाहा जी माननीय विधायक जी का माला स्वागत करें। हमारे श्री भगवान सिंह बघेल जी समासर नगर पंचायत हसैन माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें श्री डॉक्टर शैलेंद्र कुशवाहा जी। आज इस कुटिया मंदिर के मेला में यहाँ भगवान शंकर के दरबार में आज हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री दीपक उपाध्याय जी, चेयरमैन पति श्री माहौर जी, श्री छोकर साहब, श्री सप्ता जी, श्री बघेल जी और कुशवा समाज के जो उनके उपरांत मेरे उनके चरणों में नमन करते हुए, नौजवान साथियों, बड़ा हर्ष का विषय कि आज इस भगवान शंकर के प्रांगण में मुझे इतना मान सम्मान आपने दिया। मान सम्मान तो कुछ दिन पहले सबसे बड़ा आपने मुझे दिया है, साथ साथ जनता जनार्दन के इस आशीर्वाद से मैं दोबारा आपके बीच में यहाँ एक मान सम्मान के साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभारी हूँ और देवतुल्य कार्यकर्ता और बस्ती के जो मेरे भाई बुजुर्ग मेरे उस चुनाव में आत्माओं से लगे उनके सहयोग के लिए बार बार मैं आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मैं आपके साथ इसी तरह सभी रंगमंचों पे साथ में खड़ा हूँ और भगवान शंकर से ये भी प्रार्थना करूँगा कि इस बस्ती में हर तरह से खुशहाली आए। ये कुशवा समाज, ये हमारा समाज, ये लव कुश का समाज, भगवान राम का समाज, मैं इसको बार बार नमन करता हूँ। बोल बोले बाबा की जय। साथ साथ इस मंदिर के सौंदर्यीकरण में जो भी मेरे से होगा मैं आपके बीच में अवश्य करूँगा। ये भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में जो आदमी अपना जो कुछ भी अर्पण करता है वो हमेशा एक पुण्य की जड़ हरी करने का काम करता है। तो ऐसा अगर शंकर भगवान चाहेंगे तो अवश्य मैं करूँगा और मैं हमेशा आपके बीच में इसी तरह प्रेम स्नेह के साथ। आपने स्वागत किया है, मैं इसका बहुत बहुत ऋणी हूँ और इस ऋण को हमेशा उतारने की कोशिश करूँगा। जय भोलेनाथ की।